आज हम बात करेंगे चुनावी डर की। चुनाव का सपना, डर अपना अपना। डर का माहौल इस तरीके से है कि महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में दिए जाने वाले तमाम बयानों को लेकर अलग अलग पार्टी के राजनीतिक नेता चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बटेंगे तो कटेंगे, एक हो तो सेफ है, इस तरीके के नारों का सामना ना करना पड़े। शायद इसीलिए अजीत पवार को छोड़िए, अजीत पवार गुट के कोई भी नेता मुंबई की रैली में, आखिरी रैली में प्रधानमंत्री की कोई भी उपस्थित नहीं रहे। वहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी कही ये सता रहा है कि ये बयान कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसके लिए उनका भी एक अलग अलग बयान आ रहा है। वहां दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये बताने में लगे हुए हैं कि भाई डरो मत, यही बयान हमें आगे ले जाएगा, उसका मतलब आप गलत समझ रहे हैं। तीसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं लाडली बहना की योजना चल ना जाए और उसका दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, और इसीलिए दूसरी तरफ से राहुल गांधी और महाविकास आघाड़ी के नेता कहीं सोयाबीन फार्मर्स के लिए या फिर कहीं लाडली बहना के पैसे बढ़ाने को लेकर अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं। कुल मिलाकर बयानों को लेकर यह डर है और चुनावी सपना पाने के लिए वोट बैंक का डर भी कहीं ना कहीं सता रहा है। तो इस दंगल में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार मुस्लिम वोट बैंक, जिसे कहा जाता है वोट जिहाद का नारा कोई दे रहा है, ये मुस्लिम वोट बैंक आखिरकार किस तरीके से काम कर रहा है, और एक खास मेहमान भी हमारे साथ में लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। कटे थे कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, तुम बांटने और काटने की बात कर रहे हो, हम एक है तो सेफ है। क्या लिखा है? अगर प्रधानमंत्री ने ये किताब पढ़ी होती, नेशनलिस्ट मिजाज समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। एक रहेंगे। महाराष्ट्र की सत्ता के फैसले की घड़ी जैसे ही करीब आ रही है, चुनावी अखाड़े के पहलवानों का डर बढ़ रहा है। इसी डर में लगी है बयानबाजी की होड़, क्योंकि एमवीए को डबल इंजन सरकार की परफॉर्मेंस का डर है तो महायुति, जाति गिनती और संविधान जैसे मुद्दे पर सहमा हुआ है। एमवीए को लाडकी बहन जैसी योजना चुनौती लग रही है तो महायुति के लिए मराठा आरक्षण का मुद्दा भारी लगता है। एमवीए को किसान सम्मान राशि के जादू से निपटने की चुनौती है तो महायुति दलित आदिवासी वोटों के खिसकने से परेशान। एमवीए के लिए सरकार के विकास का रोड मैप चैलेंज है तो महायुति के लिए बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे से निपटना। इसी डर में दोनों तरफ से बयानबाजी की जो होड़ लगी, उसमें राजनीतिक दलों ने सत्ता का शॉर्टकट फार्मूला खोज लिया, जिसे कहते हैं ध्रुवीकरण। बीजेपी की तरफ से इस चुनावी फॉर्मूले का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से काफी पहले अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश से हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का चुनावी कालजयी मंत्र दिया। यही मंत्र महाराष्ट्र में दोहराया जाने लगा तो महायुति के भीतर ही पॉलिटिकल कंफर्ट इंडेक्स यानी PQI बिगड़ने लगा। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में शिवशाह फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं, मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। दशकों अजीत दादा हिंदुत्व का विरोध करना सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। हर चुनावी मंच से वोटर को एक होने का मंत्र दे रहे नेताओं के चुनावी डर का आलम ये कि एकता के मंत्र पर अंदर खाने ही खींचतान मच गई। मामला पीएम की रैली के बहिष्कार से बयानबाजी तक पहुंच गया। क्यों नहीं आए ये तो वही बताएंगे, नहीं हमने मना नहीं किया। मैं भी नहीं था, हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता। मैं वही बोल रहा हूँ पीएम साहब को कि मैं, आप बम्बई में आने वाले है लेकिन मैं नहीं आ सकता। दरअसल अपनी पार्टी के आधे टुकड़े के साथ पूरा भविष्य तलाश रहे अजीत पवार की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। मुस्लिम वोट के लिए महाराष्ट्र में कैसी मारामारी रही, मिसाल 2019 के नतीजों से मिलती है, जब महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 10 मुस्लिम विधायक चुनकर आए। इसमें कांग्रेस के खाते से सबसे ज्यादा 3, बाकी NCP, SP, MIM के खाते में 2-2 और शिवसेना के खाते में 1 मुस्लिम विधायक आया।
लेकिन जब शिवसेना और एनसीपी दो दो टुकड़े हो गई, तो जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस पवार और उद्धव कामयाब हुए, वहां से एक भी मुस्लिम सांसद जीतकर संसद नहीं पहुंच पाया। फिर इस बार चुनाव की बारी आई तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 8 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। अजित पवार ने 5, शरद पवार ने 2, समाजवादी पार्टी ने 2 और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे ने एक एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया। जब अजित पवार के 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, तो बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन करना उनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी, लेकिन बीजेपी की दलील अलग है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जब एमबीए के घटक दल वोट जिहाद की कोशिश का समर्थन करते हैं, तो मतदाताओं को एक होना जरूरी है। महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने का की राजनीति कर रही है मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी, इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। दरअसल बीजेपी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की उस 17 सूत्री मांग पत्र का जिक्र करती है जो 7 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी के नाम लिखी गई थी। इसमें समर्थन के बदले शर्तों की बात कही गई, जिसमें वक्फ बिल का विरोध करना, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, 2012 के बाद के दंगा आरोपी मुसलमानों को रिहा करना, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता, महाराष्ट्र के वक्फ मंडल को 1,000 करोड़ का फंड, मस्जिदों के इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए महीने तनख्वाह, रामगिरी महाराज नितेश राणे को जेल में डालने की मांग रखी गई। जैसी मांगे रखी गई, इसके बाद सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी भी वायरल हुई, जिसमें शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के हवाले से उलेमा बोर्ड के महाराष्ट्र की ओर रखी गई 17 मांगों को पूरा करने की दिशा में काम करने का लिखित वादा किया गया। हालांकि तब जयंत पाटिल ने इस चिट्ठी को संदिग्ध बताते हुए खुद ही इसकी सच्चाई का पता लगाने की बात कही थी कि ये खत आखिर बाहर कैसे आया। ये हमने दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, हम देखेंगे। देखते हैं क्या किस लिए हम, मेरे ऑफिस में मैंने बोला है कि ये खत किसने किया, किसी को मालूम नहीं ये कैसे आ गया। लेकिन महाविकास आघाड़ी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए इसी बहाने बीजेपी महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे वाले फॉर्मूले को वोट जिहाद तक खींच ले गई। अब सत्ता के फैसले का दिन करीब आते आते इन चुनावी मंत्रों पर दांव पेंच तेज होता जा रहा है। साहिल जोशी, मुंबई आज तक।